जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और एनडी टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे, वेलियाँ नहीं मार रहे होंगे बिल्कुल भी। तो आपने कहा था कि बच्चों की कुछ की रिक्वेस्ट आई थी कि सर पास पेपर भी अपलोड करें एम कैट के जो हुए हैं अभी तक। तो अभी 2008 से लेकर 2016 तक जितने भी एम डी कैट के पेपर हुए हैं तो वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि हर साल सिलेबस डिफरेंट होता है, सिलेबस चेंज होते रहते हैं। तो आपने ये नहीं समझना कि ये सारा आपके इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो 2008 से 16 तक जितने भी आपके पास क्वेश्चन आए हैं तो सिलेबस कम या ज़्यादा ही होता है, हल्का फुल्का फ़र्क आता है, बाकी तो टॉपिक सेम रहते हैं। तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा, खासतौर पर बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री का, कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और कैसे आते हैं, और आप इनको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका मतलब क्या है, मतलब आप कितनी पानी में हैं, आपको कितना अच्छा आता है। ठीक है, तो 2008 से 2016 तक के पेपर, तो ये देखें आपके पास लाइक ये फिजिक्स का है और ये बिल्कुल मतलब एक और चीज़ भी है कि की भी दी गई है। पहले ही होता था कि एम डी कैट की आ जाती थी और नेगेटिव मार्किंग भी होती, तो ये की भी दी गई है, मतलब आपको सारे क्वेश्चन का सही आंसर भी पता चल जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ये बाद में ही आप इसको करें, पहले खुद सॉल्व करें, चैप्टर्स की तैयारी की। अब ये आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी अगर आपकी तैयारी होगी, वरना आपको हर क्वेश्चन पढ़कर कुछ अजीब ही लगेगा और फिर आपका दिल भी टूटेगा, तो वो दिल नहीं तोड़ने देना। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से देख लें और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी ये पेपर डाउनलोड कर लें। और बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी चैनल पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, और नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली पता चल जाया करे कि कौन सी चीज़ आ गई है, कौन से नोट्स अपलोड हो गए हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा, ये सबके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।